नाउ लेट मी गो ओवर टू दी ये सेट ऑफ अफेयर जो है, जो मेरे भाई ने बड़ी सिचुएशन बयान की, इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू दी माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान माई डियर। हम जब 10 मुहर्रम आता है या वो दिन आते हैं तो वो हम एक स्टेट ऑफ वार कंडीशन में होते हैं। आई हैव बीन पार्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस ऑल्सो एंड आई नो एग्जैक्टली हाउ वी सेलिब्रेट इट एंड हाउ वी कंडक्ट इट। माई डियर, आई एम सॉरी, आई शुड अड्रेस यू सर। हमारे यहाँ हर चौथे दिन एक पारा चनार होता है। हैव वी बीन एबल टू एड्रेस दैट? हमारे यहाँ हर जगह पे लिंचिंग होती है। हैव वी बीन एबल टू एड्रेस दैट? हमारे यहाँ रोज कारोकारी होती है, क्या हम उसको एड्रेस कर सकें? क्यों नहीं कर सके? वी लैक द क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। आप अपने ईमान से बताएं, जो यहां पे लोग बैठे हैं, हम कितना एक दूसरे को ट्रस्ट कर रहे हैं इधर बैठे हुए? वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ पंजाब। हमारी इतनी है क्रेडिबिलिटी कि लोग हमें ट्रस्ट करें? जो लोग इस वक्त सीट्स पे बैठे हुए हैं एट द हाईएस्ट सीट ऑफ पाकिस्तान, हाउ मेनी आर देयर जो उनकी बात उनके मुंह से अल्फाज निकले हों? आज हम कायदे आजम की बात को हर घंटे के बाद रिपीट कर रहे हैं बिकॉज कायदे आजम हैड द क्रेडिबिलिटी। उसकी क्रेडिबिलिटी इस पाकिस्तान में थी, उस बड़े सगीर में थी, इंग्लैंड में थी, ग्लोब में थी। हम सिर्फ उसकी बात कर सकते, हमारी क्रेडिबिलिटी जीरो है। मुझे वो पाकिस्तान में बंदा इस वक्त बता दे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, मैं अक्रॉस द बोर्ड कर रहा हूं, जिसके आप पे ट्रस्ट है, मैं आपको सलूट पेश करूंगा यहां पे। आप कहते हैं हम स्टेट के मैटर्स को रन कर रहे? वी डोंट ट्रस्ट ईच अदर, वी हैव लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी। हम तो अपनी एक साल, मुझे अगर आप बता दें कि ब्रिगेडियर साहब हम आपको इस कमेटी का चेयरमैन बना दें, मैं अपना ईमान बेचने को तैयार हो जाऊंगा। और आप समझते हैं कि हम यहां पे इंटरफेथ भी कर लेंगे और इंटर प्रोविंशियल हार्मनी भी कर देंगे, रीजनलिज्म को भी खत्म कर दे, इस लुनाटिक सोच को भी खत्म कर दे? आई एम सॉरी सर, ये नहीं हो सकता। आपने भी तकरीरें की हैं, बहुत तकरीरें हो गई हैं, मैं भी कर जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर भी कर जाएगा, द एंड रिजल्ट इज गोइंग टू बी जीरो। इट इज ऑलरेडी जीरो, वी हैव सफर्ड, नोबडी ट्रस्टेड अस व्हेन 1971 टुक प्लेस। व्हाई डिड इट हैपन? Where are we heading today? Where is this nation heading today? हमारी आंखों के सामने होता है, हम सब अंधे बांध के बैठे हुए हैं। हमने आपको क्या हकूक दे दो? हम तो अपने हकूक का तहफ्फुज़ नहीं कर सक रहे। कौन सी स्टेट इंस्टीट्यूशन है जो हमें तहफ्फुज़ दे रहा है? किस पे आपको ट्रस्ट है? मेरी खुदा के लिए वास्ते मैं हाथ बांध के गुजारिश करता हूं, एवरीबडी हैज इट्स ओन नेचुरल लाइफ, एवरीबडी इज गोइंग टू फेड अवे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। एस्टेब्लिश दी, एक ग्रेस होती है, एक इंस्टीट्यूशन की ग्रेस होती है, एक किसी भी इदारे की ग्रेस होती है। उस लोग वो उसकी ग्रेस लोग बनाते हैं, वो ईंट और पत्थर कोई ग्रेस नहीं होती, उसकी ग्रेस लोग बनाते हैं। हमें वो लोग ग्रेस वाले पैदा करने होंगे, उन लोगों को उनको बनाना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको लाना ऊपर लाना पड़ेगा। हम सबसे जो क्रिमिनल माइंड होता है उसको अपना लीडर मान लेते हैं, आई डोंट कॉल इट अ लीडर, हम उसको अपना पॉलिटिकल मैनेजर बना लेते हैं और हम कहते हैं ये हमें पाकिस्तान बना के दे देगा। सर ये नहीं हो सकता। मैं इसके बावजूद, बिकॉज मेरी तकरीर और बहुत बड़ी थी, बहुत टाइम हो चुका है, मैं और इस पर बात ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता। मेरी गुजारिश सिंपली ये है कि इस मुल्क में अगर इंक्लूडिंग द माइनॉरिटी ब्रदर्स, इंक्लूडिंग ऑल पाकिस्तानीज, अगर आपने इस पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट डेवलप करना है लोगों का, मैं थोड़ी सी बात रोकूंगा। डे बिफोर यस्टरडे आई वाज इन जेलम प्रेस क्लब में, तो वहाँ पे तो तीन चार बड़े पढ़े लिखे आए, तो मुझे उन्होंने कहा कि जी लोग बड़े बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसको कैसे रोका जाए, तो जी इनके हकूक का तहफ़ कैसे किए जाए, उनके बड़े मसाइल हैं। मैं बात सुनता रहा, मैंने कहा हैव यू एवर थॉट वाई दीज पीपल आर लिविंग दिस पाकिस्तान एट सच ए फास्ट पेस? आप एड्रेस करें, द पीपल डोंट ट्रस्ट दिस स्टेट एनी मोर, द यंग जनरेशन इज नॉट ट्रस्टिंग, सिर्फ वो रह रहा है। अनफॉर्चुनेटली मेरी बात बेशक गुस्सा लगती है तो किसी को लगती रहे, सिर्फ वो रहा है जिसके पास राय कोई नहीं है, जो बाहर जा नहीं सकता है, जो एक दफा बाहर चला। आप कहते हैं हमने यहां पर हार्मनी क्रिएट करनी है, पीपल आर रचिंग। जब वो फॉरन ऑफिस में जाए इस्लामाबाद, जरा मेरा कई दफा वहां पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, जब वहां बैठने की जगह नहीं है, ये जिंदगी में पहली दफा हो रहा है।
कौन सी तरक्की की हम बात कर रहे हैं, कौन से मुल्क की प्रोग्रेस की हम बात कर रहे हैं, मुझे तो वो मुल्क वो जगह दिखा दें। मैं मायूसी की बात नहीं कर रहा हूं, आई स्वेयर मैं मायूसी की बात नहीं करना चाहता, बट दिस इज व्हाट द पैथेटिक सिचुएशन इज इन दिस कंट्री। हम कौन सा खेल नहीं इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ खेल रहे, सिर्फ इसलिए कि मुझे एक साल और मिल जाए, मुझे दो साल और मिल जाए। Are these the people called as a leader? I'm sorry, they are not leaders, they are managers. We all have become managers. लेकिन इसके बावजूद सर मैं इस मुल्क से मायूस नहीं हूं, बिल्कुल मायूस नहीं हूं। मुझे उम्मीद है लोगों में बहुत ज्यादा शऊर आ चुका हुआ है, मुझ में शायद कम है, नई जनरेशन में शायद ज्यादा होगा। इंशाल्लाह जो इस साइड पे बैठे हुए जो अपने हकूक मांग रहे हैं, इंशाल्लाह हम आपको भी देंगे। ये पाकिस्तान ने आपको पहले भी हकूक देंगे, जो आपने मांगे इंशाल्लाह इससे बढ़ के पाकिस्तान को आपको देना चाहिए, बिकॉज जब जरूरत थी आपने पाकिस्तान को दिया था, या आपका जो हमने दिया था वो कर्ज है, हमें उतारना है आपका कर्ज, इंशाल्लाह हम उतारेंगे, ये कौम उतारेगी, हमारी जनरेशन उतारेगी। लेकिन मैं सिर्फ मेरी गुजारिश सर लास्ट ये है, अगर हो सके तो इस कौम की थोड़ी सी तरबियत कर दें, और ये तरबियत मैंने तरबियत अगर करनी है तो अपने किरदार से करनी है। सर मैं आई एम नॉट एन एंजल, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन। जब मौका मिला है, जब आया है, मैंने अपने किरदार को कुछ न कुछ दिखाया है, इंशाल्लाह आइंदा भी आएगा तो दिखाऊंगा। एक छोटा सा और इवेंट हमारी नोज के सामने परसों हुआ है, परसों या तरसों हुआ है, यूईटी का, वो आपने वायरल देखी होगी शायद, मतलब इट्स अ हार्ट राइट हैपनिंग इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान पंजाब इन द यूईटी के अंदर हो रहा है। वो जो वीडियो वायरल हुई है वो किसके अगेंस्ट हुई है और क्यों हुई है, वो अनपढ़ लोग तो नहीं थे। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत ने करना है तो उसके ऊपर एक स्टर्न एक्शन ले, ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो, माइनॉरिटीज़ का एतमाद बहाल हो। और तीसरी बात, मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं मायूस नहीं हूँ, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। जो भी कवानीन इस वक्त मुरवजा हैं, जहाँ पे इन्होंने बेहतरी कही है, वो इसको लेजिस्लेशन की शक्ल में आने चाहिए, और ये कम अज़ कम अगर पाकिस्तान नहीं तो पंजाब की हद तक इनको ज़रूर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और जो इनके राइट्स हैं पहले हमारी माइनॉरिटीज़ के, मेरे तो ऑनेस्टली इनको माइनॉरिटीज़ का ना कि दिल इसलिए नहीं करता कि जो ही लफ्ज़ माइनॉरिटीज़ आता है तो वो एक तफरीक बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। मैं समझता हूँ कि ये जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, जो भी इनके लिए मुरवजा कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं वो उन पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। फनेटिसिज्म, लुनेटिक बिहेवियर, एक्सट्रीमिज्म, हमने इसको कब करना है, इट इज़ वर्स देन टेररिज्म, इट अल्टीमेटली लीड्स टू टेररिज्म, हमने इसको ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करना है, आई एम नॉट इन, मैं कोई एक तालीम का वो कोई शोबे का नहीं हूँ, ना मैं कोई फिलासफर हूँ, बट वी हैव टू फिनिश इट अप। सर थैंक यू वेरी मच।